ताबड़तोड़ दूसरे दलों में सेंध लगाए हुए हैं और आज भी एक साथ कई दलों के नेताओं ने पाला बदलते हुए भाजपा की सदस्यता ली। यूपी चुनाव 2022 से पहले भाजपा के विपक्ष में सेंध हमारी लगातार जारी है। पार्टी ने आज सपा के 6 नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। इसमें सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री किरण जाटव भाजपा में शामिल हुई। इसके अलावा प्रसपा की राष्ट्रीय सचिव मनीषा सिंह, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव सबाना खंडेलवाल, सपा के सिधौली से ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा पूर्व आईपीएस मनोज झा और कवि सौरभ भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर किरण जाटव ने कहा कि जाटव समाज भाजपा के साथ है। किरण जाटव जो सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, मेरठ से आती हैं, 2016 में अपनी पार्टी बना ली थी। किरण जी, आप जाटव समाज से आती हैं, माना जाता है जाटव समाज हमेशा से बीएसपी के साथ रहा है, आप सपा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नहीं, आज बीजेपी ज्वाइन आपने की, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, क्या जाटव समाज बीजेपी के साथ आएगा? जी बिल्कुल आएगा जाटव समाज, क्योंकि ऐसा है ना, इस वक्त जाटव समाज एक अपने आप को है ना बेसहारा सा महसूस कर रहा है राजनीति में, उसे एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिल रहा। चौधरी अखिलेश यादव कल वहाँ पे रैली करेंगे, उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, उनका जो अपना वोट बैंक है बस वही थोड़ा बहुत उनके पास रहेगा, वरना जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है या जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आएगा। तो ये किरण जाटव हैं, आज बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की है, जाटव समाज से आती है, और कोई ना कोई वेस्टर्न यूपी से खासतौर से जाटव समाज का बड़ा लीडर बीजेपी ज्वाइन करता है, और आज भी कुछ इसी तरह की ज्वाइनिंग हुई है। क्या मैं मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा लखनऊ। और 2022 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक बना रहे, उसके लिए बसपा प्रमुख मायावती कोई गलती नहीं करना चाहती। आज फिर से बसपा प्रमुख मायावती दलितों को लेकर विरोधियों पर बरसी। मौका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि का था तो लगे हाथ, बसपा प्रमुख मायावती ने दलितों का मुद्दा छेड़ दिया। मायावती बोली कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दलितों के वोटों को बांटना चाहते हैं, ऐसे में दलितों को इनसे सतर्क रहना चाहिए। कुछ लोग व संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को बांट कर बाबा साहब की मूवमेंट को कमजोर करने में लगे रहते हैं। हालांकि उन सबका स्वार्थ फिर चुनाव के बाद उन्हें पैदल करके फिर से ऐसा छोड़ देते हैं कि वे ना घर के रहते हैं ना घाट के। और चलिए अब बात करते हैं आज के कुसवाल की। एबीपी गंगा के चुनावी शुभ अध्यक्ष जी में महान दल के अध्यक्ष केशवदत्त देव मौर्य ने ओपी राजभर को जोकर कह दिया, जिसके बाद सियासत गर्म हुई, और इसी पर हमारा आज का सवाल है। और वो सवाल है कि केशव देव मौर्य के जोकर वाले बयान से सपा गठबंधन की मुश्किलें कितनी बढ़ी। और आज के हमारे इस सवाल पर सैकड़ों दर्शकों ने कुवैप पर अपनी राय दी, जिनमें रमाशंकर सिंह ने लिखा कि MY फार्मूला बनाकर आसानी से सत्ता हथियाने और मलाई खाने का जमाना चला गया, अब जनता विकास पर सरकार चुनेगी।